गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर लिया क्षमा। सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारु प्रश्न हरतम पीड़ा हरतम। ओम शम शनिश्चराय, ओम शम शनिश्चराय। नमो नारायण। सुप्रभात। नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? पुनः आपके सामने हूँ खुशियां देने के लिए। आप कैसे मुस्कुरा सके, आपके जीवन में कैसे खुशहाली आ सके, आपका जीवन कैसे संतुलित हो सके, मैं आपके सामने। सुप्रभात का इसका मतलब ये नहीं कि सुबह की बात करना। जैसे सूर्य सुबह जब उगता है ना, कितना चमका चमकता हुआ रहता है। वो चमक आपके जीवन में रहे, इसलिए मैंने वैसे हमारे सनातन संस्कृति में सुबह सुबह कोई सुप्रभात नहीं, लेकिन ये जीवन हर क्षण हमारी सुप्रभात होनी चाहिए, तभी जीवन खुश हो जाए। प्रयास करता रहता हूं दिन रात की समाज और राष्ट्र के लिए कहीं काम। मेरा जीवन आपके प्रति समर्पित है और ये 20 मिनट आप श्रद्धा भाव से अपलक बिना दृष्टि झपकाए इन आंखों में देखिए और बैठे बैठे हरिओम तस्त जय शनि देवा, हरिओम तस्त जय शनि देवा, ओम शम शनिश्चराय, हरिओम तस्त जय शनि देवा, ओम शम शनिश्चराय। इस अद्भुत अलौकिक प्रणव का जाप करते रहिएगा, विघ्नों से छुटकारा, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा, रुकावटें दूर होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि आया ही हूं मैं आपको खुशियां देने। कैसे आए खुशियां सुख समृद्धि, ये बताऊंगा आज गुरुवार। आज दिन भगवान सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करें ये भी बताऊंगा। मान और सम्मान की प्राप्ति कैसे हो, कष्टों से कैसे छुटकारा मिले ये भी बताऊंगा। जीवन मंत्र भी सुनाऊंगा और यदि दौरे पड़ते हो, हिस्ट्रिया की कोई प्रॉब्लम हो, देसी नुस्खे भी बताऊंगा। साथ ही आज धन बरसे में बहुत कुछ सुनाने जा रहा हूं, बस थोड़ी देर मेरे साथ रहना बहुत जरूरी। ये सब बताऊं उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2070 फाल्गुन मास की 26 परिशत, सक्त 1935 फाल्गुन 18 तदनुसार रविवार 9 मार्च 2014 रविवार का प्रातकाल चंद्रमा वृषभ राशि में और रविवार का राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, सलाह मेरी और मर्जी आपकी। बात करते हैं आज की यात्रा की। आज दक्षिण दिशा की यात्रा लाभदायक नजर आ रही है कारोबार के दृष्टिकोण, लेकिन जमाना बहुत बढ़ गया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन यदि रविवार के दिन पान चबाते हुए यात्रा पे निकल जाएंगे तो यात्रा बड़ी मंगलकारी और बड़ी शुभ रहेगी। नमन की बात करते हैं आज इनका जन्मदिन और जिनकी शादी की सालगिरह। जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 9 मार्च आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, जीवन में कहीं परेशानी तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में चोला चढ़ाई और लगातार ये 40 दिन चढ़ा के देगी। चोला चढ़ाने के बाद सफाई कर्मचारी को गुरु का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के जीवन में। भारत की जो सनातन संस्कृति है वो बहुत अद्भुत और परिपक्व है। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म दुनिया का सबसे परिपक्व और सर्वश्रेष्ठ अद्भुत है, अद्भुत है। जो लोग सनातन संस्कृति के आसपास रहते उसे जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं, जीवन ऐसे ही सरस सुंदर और सरल बना रहता है। सनातन संस्कृति हमारे परंपराओं के लिए, हमारे उन ऋषियों के जिन्होंने अद्भुत साधना के बल पर इस संस्कृति को हमारे सामने रखा, उनकी है, उनकी साधनाओं का प्रताप, ऋषियों की साधनाओं का प्रताप। लेकिन इससे मानने वाले आजकल थोड़े से आचरण में थोड़े से कच्चे होते जा रहे हैं, थोड़े से कच्चे होते।
पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। पहले का धर्म ये था, पहले की नीति ये थी हमारी कि किसी को भोजन कराने के बाद हम भोजन करें। हमारी परंपरा ये दूसरों को खिलाए फिर खुद खाए। अब कुछ लोग खुद दूसरों को खिलाने की बजाय, खुद के खाने की बजाय छीन कर खाना शुरू। सनातन संस्कृति सेवा और साधना की संस्कृति, लेकिन आजकल इस धर्म के लोग व्यापार की संस्कृति अपना, कथनी और करनी में बड़ा अंतर आ गया है। यही कारण है कि आज की आज पूरा राष्ट्र बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने सनातन धर्म का मुखौटा तो ओढ़ रखा है, लेकिन हम सनातन धर्म के आसपास नहीं, सनातन संस्कृति के आसपास नहीं। हमारे सनातन धर्म की सबसे अद्भुत परंपरा थी माता पिता के सिर चरणों में प्रणाम करना, उनकी सेवा करना। सनातन धर्म का संदेश था कि अरसर तीरथ माता पिता के चरणों में है। आज वही माता पिता ददर की ठोकरें खा रहे और वृद्धाश्रम में रह रहे, और हम फिर भी कह रहे हैं कि हमारा देश महान है। हमें कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा को टटोलना चाहिए, वरना दिन दूर नहीं जब हम खाली हाथ मसल के रह जाएंगे। मैं चर्चाएं इसलिए करता हूं कि आपको समझ में आए। एक बात समझ में नहीं आ रही, वो राष्ट्र जो संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जहां माता पिता भगवान की तरह पूजे जाते थे, इस आजकल राष्ट्र में, इस राष्ट्र में वृद्धाश्रम की परंपरा आ गई है। ओल्ड एज होम बनने लगे हैं। टाइम में नहीं है लोगों को अपने माँ बाप को समय देने का, आश्चर्य दुर्भाग्य। और तब तुम चाहते हो कि सुकून और शांति मिले, तो मुझे तो कहीं आसपास ही नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम सुविधाएं खरीद सकते हो, बड़े बड़े वैभवशाली बंगले बना सकते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल सकते हो, लेकिन मेरा विश्वास करना, तुम सुकून नहीं खरीद सकते, तुम सुख नहीं खरीद, सुविधा खरीद सकते हो, सुख नहीं खरीद सकते। किसी ने मेरे से कहा, दाती महाराज मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता, मेरे पास तो सारी सुविधा है। हो सकता है मैं गलत हूं। तो एक दिन भाई साहब बहुत मिलियन डॉलर का मालिक था, कहा आप मेरे घर पधारी, मैं उनके घर चला गया। रस्ते में पूछा, अरे क्या बात? बोले, दाती महाराज आपसे अकेले में बैठ कर बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है। जब घर गया तो मैंने देखा करोड़ों रुपयों का बंगला बना हुआ है। जब उसके बेडरूम का देखा, कम से कम पलंग होगा तो 5 से 7 करोड़ होगा, लेकिन जब मेरी नजर गई तो पलंग के ऊपर लकड़ी का फट्टा बिछा हुआ था। मैंने कहा, भाई ये क्या है? बोला, से डॉक्टर ने कहा गद्दे पे मत सोना। मैंने कहा, काहे के लिए पलंग में, जमीन में सो जाना, ये तेरे कर्म आ रहे आ रहे। बाथरूम में गया, नहीं नहीं, 20 से 25 लाख 50 लाख रुपये बाथरूम में लगा, करोड़ के आप 2-4 करोड़ रुपये लगाए होंगे। मैंने कहा, बुलाया क्यों? बोले, दाती महाराज पिछले 2 महीने से पेट ही साफ नहीं हो रहा। मैंने फिर बाथरूम काहे के लिए बनाया? तुम सुख और सुविधाएं खरीद सकते हो, ध्यान रखना, लेकिन उसका भोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने कर्मों में सुधार लाना होगा। मैं बहुत कहने के लिए बहुत कुछ होता, लेकिन चलिए, सूर्य देव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र बताना चाहता हूं। आज रविवार दिन, और आज के दिन जीवनदाता भगवान सूर्य की आराधना का दिन है। आज के दिन भगवान सूर्य की आराधना का दिन, जगत पिता ब्रह्मा का एक नाम धाता भी है। जगत पिता ब्रह्मा का एक नाम धाता भी है। शास्त्रों में इसका विशेष रूप से वर्णन, भगवान सूर्य देव का दूसरा अवतार आदित्य देव का दूसरा अवतार है, जिसमें इनका सूर्य भी इंद्र है। सभी जीवों के कर्ता दाता ब्रह्मा आप ही है, और जीवन की संपूर्ण ऊर्जाएं हमें सूर्य से प्राप्त होती है, और सूर्य के बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है। और आज के दिन भगवान सूर्य देव की आराधना का दिन है। जीवन में संपूर्ण सुख संपत्ति आरोग्यता और मान सम्मान की प्राप्ति के, आज के दिन नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान सूर्य का पंचोपचार पूजन करें, गीले कपड़ों, तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करो। 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर जीवन की संपूर्ण मनोकामना पूर्ति करते हैं। लोगों ने मेरे से कहा, दाती महाराज जब हम शनिधाम आते हैं या जब कहीं भी जाते हैं तो देव मूर्ति की परिक्रमा क्यों करते हैं? हमारे देश में देव मूर्ति की परिक्रमा की परंपरा प्राचीन काल से चली है। कुछ लोग इसे एक सामान्य सी बात समझ लेते हैं, इसकी उपेक्षा भी करते, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं।
हमारे मनुष्यों ने अपने अनुभव से महसूस किया कि जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती उस मूर्ति के मध्य बिंदु से लेकर उसके चारों तरफ एक दिव्य प्रभा तरंगित होती है। जहां मूर्ति स्थापित है उसके चारों तरफ में एक अद्भुत ओरा, एक प्रभा मंडल होता है, शक्ति का अद्भुत प्रभा मंडल होता है। इसलिए प्रतिमा के निकट से परिक्रमा करने पर परिक्रमा के समय प्रतिमा के अंदर से जो दैव्य शक्ति का प्रभा मंडल है उसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। याद रहे उस दैव्य शक्ति की आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती, इसलिए शास्त्र में मूर्ति को दायां हाथ की ओर से परिक्रमा करने का विधान है। और यही कारण है कि मूर्ति की प्रदक्षिणा की जाती है। पूजा और पाठ के बाद मूर्ति की परिक्रमा करने से अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति, किसी देवी या देवता को कितनी बार परिक्रमा की, ये स्पष्ट हमारे शास्त्र में उल्लेख है। इसका फिर कभी मौका मिलेगा तो बताऊं, लेकिन बहुत अद्भुत है, हमारी सनातन संस्कृति कमजोर नहीं है और इसे हमें अपनाना चाहिए। यमुनानगर बात करते आज के सुझाव की। आज रविवार का दिन है, आज के दिन की बात करो, आज के दिन यदि कठिन परिश्रम के उपरांत धन की प्राप्ति नहीं हुई तो आज के दिन नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद 11 कोड़ी गंगा जल से पवित्र कर पंचोपचार के बाद केसर का तिलक कर दे, पीले कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान वाले से रख दे, अवश्य धन लाभ होगा। और उसके बाद घी का दीपक जलाकर ओम श्रीम नमः 11 माला जाप करें, हर रोज घी का दीपक जलाए और मंत्र का जाप करें, धन की बरसात जरूर होगी। नमाना है और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खे। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज दौरे पड़ते, अचानक दौरे पड़ने लगते, यदि डॉक्टर ने कहते कि यह हिस्ट्रिया की प्रॉब्लम है तो इसे राहत पाने के लिए सुबह 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 और शाम एक चम्मच देसी शहद, वो गांव वाला शहद, छोटी मक्की वाला शहद, ओरिजिनल शहद, ये बोतलों वाला शहद मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आजकल बड़ा क्या क्या बनने लगे, अब आप सबको पता है, मैं इस लपड़े में नहीं पड़ता। देसी गांव का शहद मंगा दीजिए, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, 10 दिन देखे क्या ये दौरा खत्म हो जाए। जब दौरा पड़ रहा है, पड़ता हो, शिकायत दौरे की हो, एक प्याला रस, उसमें एक चम्मच आंवले का रस मिला दे, सुबह शाम रोग एक महीने पिला दीजिए, जड़ से ये दौरा खत्म हो जाएगा। नमाना रहे। और यदि इतने में भी आराम नहीं मिलता है तो आप मृगी मुद्रा लगा दीजिए, ये मृगी, इस मुद्रा में 48 मिनट खाली 15 दिन बैठेगा, राहत मिल जाएगी। नमाना रहे। बात करते आज के धन बरसे उपाय। बहुत कर्जा हो गया है, कर्जे से छुटकारा नहीं मिल रहा है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हर अमावस्या के उपाय करें और लगातार 40 दिन करें, 172 दिन करें, 186 दिन करें, या लगातार 40 अमावस्या करें। यदि कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, धन की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो अमावस्या के दिन वजन के बराबर ज्वार और वस्त्र निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा, अवश्य आपको धन की प्राप्ति होगी और धन संबंधी परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमन हन। भगवान शनि देव आपकी रक्षा करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना। गुरुवाणी में आज इतना ही, कल भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए, साथ ही जीवन मंत्र, अद्भुत सुझाव, देसी नुस्खे और धन भर से उपाय लिखा। लेकिन ध्यान रखना, कल चूकना नहीं, कल कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि को बदल देगा, जीवन में नई खुशियों का एक नया गुलदस्ता होगा, इसलिए खोलूंगा नहीं कि मैं कल क्या लेके आ रहा हूं। नमन आ रहा है। आज इतना ही।